वो देखो वो अपना ही लगा हुआ है फिल्म प्रमोट करने आया हो भाई, लव डे यार, खास वजह यही है। उसके अलावा जिस तरह की अभी गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो उरी के अटैक के बाद से जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस का एक्ट्रेस को मना करा जा रहा है बॉलीवुड में कि वो काम ना करें और इंडिया छोड़े, और जिस तरह सलमान ने अपना एक बयान दिया है, उसके बाद फिर और बयान आ रहे हैं करण जौहर की, धीरे मुश्किल आ रही है, बहुत कम हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जा चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड का हिस्सा होने के नाते? भाई मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में एक्टरों की कोई कमी नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका और रशिया का प्रॉब्लम हुआ था, उन लोग ने उनके साथ ओलंपिक भी नहीं खेला था। ओलंपिक जब खेलते थे तो उन लोग ने बोला हम ये कंट्री के साथ नहीं खेलेंगे, ये कंट्री ने हमारा बहुत नुकसान किया है। अभी मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान से, मेरे को सिविलियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ के जितने टेररिस्ट हैं उनको वहाँ पनाह मिल जाती है, जितने गुनहगार हैं उनको वहाँ पनाह मिल जाती है। हमारे हिंदुस्तान में आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान से कोई आदमी जाके पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट किया है? पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में किया है, बलूचिस्तान को लूट लिया, उसको ये किया, हमारे यहाँ पे कभी हिंदुस्तानी कभी कोई जाके वहाँ पे कुछ नहीं किया। तो यार हमारे यहाँ एक्टरों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। भाई एजेंट भी हो सकते हैं कोई एक्टर? नहीं हो सकते क्या? कुछ भी हो सकता है यार, हमारे यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ से टैलेंट को इस्तेमाल करो ना। आप तू वहाँ पे चाटने जा रहे हो यार। तो आप करण जौहर को ऐसे कुछ कहना चाहेंगे स्पेसिफिकली? यू नो करण जौहर आए तेरे मुश्किल लेके आ रहे हैं फवाद खान को लेकर, और सलमान ने भी बयान दिया कि अगर वो एक्टर हैं तो हिंदुस्तान की सरकार उन्हें वीजा क्यों देगी? ये तो यार सरकार का भी प्रॉब्लम है, सलमान भाई सही बोले कि जो वीज़ा मिलेगा तो आदमी अंदर आएगा, आप वीज़ा देना बंद करेंगे तो आदमी नहीं आएगा। उनकी बात तो सही है ना, वीज़ा क्यों देते हैं? मोदी जी भी खुद जाते हैं नवाज शरीफ के पास यार, उसको पता नहीं क्या दावत देने जा रहे हैं। अरे कैसे होगा सम्मेलन जो 70 साल से नहीं हुआ, वो कैसे होगा भाई? मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, मोदी जी गए थे अभी किडनैप हो जाते, पता नहीं हमको क्या क्या करना पड़ता। क्यों गए थे पाकिस्तान? यार मैं करण जौहर को क्या बोलूँ यार, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, अल्लाह उसको सही समझ दे। मैं दुआ करूँगा करण जौहर के लिए कि अल्लाह उसको सही रास्ते पे ले आए। अरे लव डे के बारे में तो बात कर यार, ये लव डे की फिल्म है, तू ऐ दिल है मुश्किल, करण जौहर और सलमान खान, मेरे भाई मेरा इनसे क्या लेना देना यार? कौन है भाई? सलमान भाई को मैं मानता हूँ, अपने भाई है, मैं प्यार करता हूँ उनसे, अभी उनकी ज़िंदगी है, वो जो भी स्टेटमेंट देंगे वो उनकी लाइफ है यार, मैं कौन होता उनको कोई सलाह देने वाला? मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ उनके लिए। हमारी फिल्म तो स्कूल से चालू होती है, थ्री इडियट्स तो कॉलेज से चालू हुई है, और आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए कि आप थ्री इडियट्स अच्छी फिल्म से कंपेयर कर रहे हैं। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो भी उनके स्कूल से ही हैं, राजू रानी के, तो आप समझ सकते हैं कि उसी जॉनर पे है। इससे पूछ करण जौहर के बारे में, इसको भी उसी ने लॉन्च किया था, इससे पूछ, बोल बे करण जौहर के बारे में बोल। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो जो हमारे अटैक हुए इंडियन सोल्जर्स पर, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त साला ये फवाद खान से ज्यादा हैंडसम है यार, 100% रादर देन हमें एक्टर्स पे फोकस, हमें वो सोल्जर्स के बारे में या अपने इंडिया भारत के बारे में सोचना चाहिए, रादर देन उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एजाज भाई ने कहा कि यहाँ पे कमी नहीं है और यहाँ पे भी बहुत सारा टैलेंट है। मत बोल भाई, अभी इन लोग ऐसा लगेगा कि इन लोग जलते हैं फवाद खान से, ऐसा बोलेंगे हमारे हिंदुस्तानी भी कम नहीं है। ये नहीं कह रहा, मतलब लड़कियां फोटो लगा के घूम रही है उसका, मतलब इतना बड़ा इशू बनाना कि सब अब हमारे जो ये इंडस्ट्री के लोग हैं वो फवाद खान को सपोर्ट कर रहे हैं, रादर देन तुम यार इंडिया को सपोर्ट करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा हम सबको। लाइक वी फर्स्ट आर इंडियन और हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमें एक एक चीज नहीं करनी चाहिए कि हाँ टीवी मूवी इंडस्ट्री आके बैठ जा हरीश। पर सपोर्ट कैसे करेंगे? आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आर्टिस्ट हो, कोई काम करे, कोई बिजनेस करे कहीं और जाके, लेकिन जब यहाँ पे आके बुरा हो रहा है, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं,
तो उनसे पूछा जाए कि आप इसको कंडेम करते हैं तो वो कंडेम भी नहीं करते हैं। जस्ट फॉर रिस्पेक्ट हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट सर आगे से आ जाइए ना, आ जाइए ना फटाफट। देखिए 100 बात की एक बात होती है, इंडिया सबसे पहले आता है, ये तो मुद्दा उठना भी नहीं चाहिए, उनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। देखो उन लोग ने ना ट्वीट किया, ना उन लोगों ने कोई सिंपथी जताई, ना उन लोगों ने ये कहा कि साला हम हिंदुस्तान से पैसा कमाते हैं, वो भी करोड़ों में कमाते हैं। भाई फवाद खान को मैं तो नहीं जानता था खूबसूरत के पहले, क्या फवाद खान कौन है और मायरा कौन है ये सबको तो मैं तो नहीं जानता था। चैनल बाद में आया उसके, कौन थे ये लोग मैं तो नहीं जानता इन लोगों को। जबकि आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड अटैक्स हुए तो सबने कंडेम किया। हाँ पेरिस हो, अच्छा पेरिस में हुआ तो वो बिल्कुल 100% यार। मेरे भाई एक बात बताऊं, मैं तुमको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। फवाद खान मायरा खान को मेरे ख्याल से करण जौहर इन लोग करोड़ों में पैसा दे रहे, वो पैसा उन लोग वहां जाके टैक्स भरते हैं पाकिस्तान में, यहां तो भरते नहीं टैक्स 30%, तो वो टैक्स 30% उससे तो बनती है बुलेट भाई, कहीं ना कहीं वो लोग भी तो इन्वॉल्व है, नहीं है इन्वॉल्व? जो गोली हमारे फौजियों को लगती है उनमें कहीं ना कहीं उनका पैसा भी इन्वॉल्व है, जिस तरह से भारत सरकार की आर्मी को हमारे लोगों का टैक्स जाता है, हमारे टैक्स से ही तो हमारी आर्मी चलती है ना, उसी तरह उनके टैक्स से उनकी आर्मी चलती है। डिफेंस बजट, डिफेंस बजट भाई काम करो, सारे एक्टरों को डायरेक्टरों को वहां से बुला के नागरिकता दे दो, नागरिकता लेनी चाहिए भाई, हमारे हिंदुस्तान में नागरिकता कम है जो आप वहां से बुला बुला के नागरिकता देने चाह रहे हो। क्या आप सजेस्ट करेंगे ऐसा? मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। मुझे देखो मैं एक बात बोलता हूं, मैं यही कहूंगा कि भाई अभी हाई टाइम है कि हमको हिंदुस्तानी हो जाना चाहिए, हाई टाइम है ये, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पंजाबी मराठी ये सब छोड़ के, बंगाली छोड़ के हिंदुस्तानी हो जाना चाहिए। वो लोग सिर्फ ये बोलते हैं हम पाकिस्तानी है, अमेरिकन ये बोलते हैं हम अमेरिकन है, यहाँ पूछ लो मैं हिंदू मैं फलाना मैं ढिमका मैं रबारी मैं ये मैं वो, भाई इंडियन बन जाओ अभी हाई टाइम है, वरना कोई भी आके सर पे बैठेगा फिर वो गांधी जी भगत सिंह अशफाकुल्ला खान ने जो आज़ादी दिलाई है उसकी वाट लगेगी फिर हम गुलाम बन जाएंगे। अरे भाई तुम आप ओम जी का इंटरव्यू रात को 7 PM ना लिया करो, समझा करो तुम तो यार, किसी को भी बेचारे को लाइव पे बैठा दे रहे हो ओम जी को, वो बेचारे सीधे साधे आदमी है लेकिन इसमें बैक पाइपर का भी थोड़ा हाथ है तो पर अभी सॉरी बोल दिया ना उन्होंने, सुबह में याद देगा भाई देगा ओम जी, ओम जी सुबह में मिलेंगे तुम्हें, शाम में मत मिला करो। ये दोनों के भगवान राजकुमारी रानी है, ये दोनों पूजा भगवान की नहीं राजकुमारी रानी की करते हैं, इनके पर्स में हिरानी है। जैसे कि एक हिस्ट्री रही है कि एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन कैसे थे वो? मेरा डायलॉग चोरी कर दिया, सीखी थी मेरे बातें, हमने उनकी फिल्म से सीखा है, उनकी फिल्म में जो है हमारे लिए जो है बुक, हम उनसे सीखते हैं कि कैसे इमोशंस को लाया जाता है स्क्रीन पे, क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए, दैट वी ऑल लर्न फ्रॉम राजकुमार ईरानी साहब। एक्चुअली बहुत इंस्पायर्ड हम उनसे, उनका जो मूवी मेकिंग का स्टाइल है, वो जिस तरह से बनाते हैं मूवीज, आप मूवीज देखो उनकी तो ऐसा लगता है कि एकदम फुर्सत में बनाई है, कोई भाई नहीं किए इन्होंने कोई भी एक सीन शूट करने में, तो उससे हम बहुत इंस्पायर्ड है। उनका जो फॉर्मूला है हंसाना रुलाना, वो फॉर्मूला हमको कहीं ना कहीं हिट किया और एक ऑनेस्ट एफर्ट है हमारा, उनकी तरह हमने कोशिश की है अच्छी फिल्म बनाने की, होपफुली बहुत अच्छी फिल्म बनाई है बेटा तूने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, प्रेस शो में दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ओके अजाज, आई होप आप इस बात पे हंसे नहीं, अगर आपको मौका दिया जाए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए, बॉलीवुड में कुछ चेंजेस करने के लिए आपको आजादी दी जाए तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए, बॉलीवुड में कुछ चेंजेस किया जाए, तो मैं सारे एक्टरों के प्राइस को कम करूं और नए एक्टर लेके आऊं, ताकि वो पैसा देश के काम आए जो ये लोग 30-30, 40-40, 50-50 crore लेते हैं, समझेगे नहीं समझे, सबसे पहले ये चैलेंज लेके आऊं और हर नए आदमी को काम दूं। ये तो क्या है, हमारे हिंदुस्तान को एक ही चीज़ थोप थोप के दी जा रही है, बेचारे हिंदुस्तानी करेंगे क्या भाई? भाई 40-40, 50-50 साल से एक ही आदमी चल रहा है, वो दूसरे को आने भी नहीं दे रहा है, हम हाँ बस देखते हुए बोल, अरे इसको रोको, अरे इसको आप देखे सलमान खान रोहित शेट्टी प्रभु देवा एकता कपूर
ये सारे मुझे अंदर बिग बॉस में और खतरों के खिलाड़ी में वादा किए हुए है, बहुत टैलेंटेड है, एक नंबर है, ये है, लेकिन काम फवाद खान को देंगे, सपोर्ट फवाद खान को करेंगे, हमको नहीं करेंगे सर। ओके, हो सकता है मैं अपना सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं। थ्री इडियट्स का कहना है मुझे, यू नो, तीन दोस्तों का नहीं, तो क्या एजाज आमिर खान निभाते नजर आएंगे फिल्म में? तीन दोस्तों की तो मोंटी निभा रहा हूं। आमिर खान, आप आमिर खान का रोल बहुत अच्छा था, मेरा भी रोल बहुत अच्छा है, ये दोनों का रोल बहुत ही खराब है। जिस तरह माधवन और शर्मन जोशी नहीं पर देखिए तीन दोस्तों पे तो यार भाई बताओ, मेरा रोल कहीं ना कहीं वैसा ही रिलेटेड, क्योंकि दोनों भक्त भी है राजकुमार ईरानी के, तो कुछ प्लॉट वैसा नहीं है, बहुत अलग प्लॉट है, पर हाँ मैं एक बिगड़ा हुआ दोस्त हूँ जिसके वजह से इन दोनों के लवड़े लग जाते हैं और जिंदगी इनकी इतनी बुरी हो जाती है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्लाइमेक्स में पता चलेगा कि दोस्त हो तो मोंटी जैसा हो, वरना हो ही नहीं। और तीन दोस्तों पे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी है, दिल चाहता है भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू नो थ्री इडियट्स को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो स्टोरी हमारी पूरी अलग है और आपको बहुत ही नई स्टोरी देखने को मिलेगी, ये आपने पहले नहीं देखी होगी, ये मेरा दावा है, ऐसी स्टोरी है। भाई इसको चालू करो यार प्लीज यार, भाई ये पंखे कौन बंद कर दिया यार दोनों, भाई थोड़ा यार पसीना आ जाएगा, क्या चालू करना यार, तूने बंद कराया क्या? अरे मेरा भाई, ये सब लोग तो ले रहे थे यार, अभी ले लेना भाई, मेहरबानी कर, चालू कर, चालू कर यार, प्लीज चालू कर दे इसको। आपकी फिल्म जो है वो उसमें वल्गैरिटी बहुत है, डायलॉग्स में हर चीज़ में काफ़ी कट्स जो है वो उन्होंने कहा कि भी उसको करना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है आप बताइए कि कितने कट्स होंगे या क्या चेंजेस हमको करने हैं, तो करीब करीब उन्होंने 18 कट्स हमको दिए और एक गाना हमको पसंद नहीं आ रहा था, कहते हैं कोई कोई समझो ना को जो हमारा आइटम नंबर है बहुत लग्जरियस, उसमें ग्रैंडर के साथ हमने उसको शूट किया, तो फिर उसके बाद हमको लगा कि हमको सेंसर बोर्ड कॉपरेट नहीं कर रहा है, हमको मतलब रिवाइज कमेटी के साथ मूव करना चाहिए, रिवाइज कमेटी के को हमने रिक्वेस्ट किया जो फॉर्मेलिटी है वो की, और उसके बाद रिवाइज कमेटी भाई हाँ यार थैंक यू भाई दिया कि अभी हमारे पास बहुत सारे जो है वो फिल्म देखने के लिए है, 15-20 दिन तो हमारे पास टाइम नहीं है, 15-20 दिन वेट करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार कॉल करने के बाद और रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 15-20 दिन बाद फिल्म देखी और 18 कट को एज इट इज उन्होंने ये कर दिया कि सर जो सेंसर बोर्ड का डिसीजन है वही हमारा डिसीजन है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने वो 9 तारीख की डेट भी जाने दी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि मैं मीडिया में ऑलरेडी अपनी जो प्रोमो चला रहा था टेलीविज़न पे, मीडिया नेट की डील कर चुका था, पब्लिसिटी मेरी पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, मैं उसको डिलीवर कर चुका था, उसके बाद क्या हुआ ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे हमको बताया कि जो चीफ जस्टिस हैं एस के महाजन जो कि बेसिकली ये लुक आफ्टर करते हैं, वन मैन शो हैं वैसे कहने के लिए, तो चार मेंबर हैं वहाँ पे, बिल्डर और तीन लोग और हैं, तो एक कमेटी इस फिल्म को देखती है तो वो असमर्थ है क्योंकि एस के महाजन जो हैं वो इस समय हॉस्पिटलाइज हैं और शायद हो सकता है कि आपकी फिल्म को 1 से 1.5 महीना लग जाए, मैंने करीब करीब 1 महीना तक वेट किया, 1 महीने के बाद मैं पर्सनली गया तो मुझे पता चला कि ट्रिब्यूनल जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी जो एक किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रही है और वो शायद वो नहीं हो या नहीं हो, एक लंबा उनको समय सकता है, तो इस दौरान मैंने महसूस किया कि वो भी सब बातें हैं, गवर्नमेंट कोई बॉडी किसी को अपॉइंट नहीं कर रही है और ना ही कोई इस बात में ज़्यादा
प्लेयर है, करीब करीब 50 फिल्में ऐसी हैं जो वहाँ पे पेंडिंग है जिनको देखा जा रहा है, तो मेरा नंबर उसके भी 3 महीने के बाद आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 9 तारीख की डेट में 23 तारीख बड़ी होपफुली मैंने जब टर्मिनल में गया तो मैंने वो डेट चेंज कर ली थी और अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि मैं कोर्ट का रुख करता हूँ। मैंने 14 अगस्त को बहुत ही मजबूरी में एक बोलना चाहिए कि कोर्ट का दरवाज़ा मैंने लगाया और कोर्ट में मैंने पटिशन फाइल किया 14 तारीख को 14 अगस्त और कोर्ट के सामने मैंने अपना जो भी दलील थी, जो भी मेरे तकलीफ थी वो मैंने रखा। कोर्ट का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहा मुझे जाने के बाद कि कोर्ट ने हर पॉइंट को, हर वैल्यू को कंसिडर किया। जो लैंग्वेज उनको पसंद नहीं आ रही थी उनको टाटा बिरला अंबानी कहना पसंद नहीं आ रहा था, उनको कुछ आइटम गर्ल कहना पसंद नहीं आ रहा था, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। फिर मैंने सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि हर दूसरी फिल्म में किसिंग सीन है, बिकनी है, पार्टी सीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सर ऑलरेडी हर दूसरी तीसरी फिल्म में दिखा रहे हैं। तो उनका कहना था कि सर वो मीडिया जा रही है सर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरी वो फिल्म को देखा जाए कैसा ऑर्डर पास किया। फिर मुझे एक्सक्यूज मिला कि अपनी जो पूनम जी है हर्षन भाई हाउस ऑफ वर्किंग में तेजस भाई जस्ट हो गया खत्म। नहीं जस्ट खत्म हो गया। तेजस भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑडियंस क्यों आए और लव डे का हिस्सा बने? व्हाट यू व्हाट मैसेज डू यू गिव टू द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट? भाई दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता पर वक्त के साथ दोस्तों का पता चलता है। अगर आप दोस्ती में मानते हैं, इंटरटेनमेंट में मानते हैं, आपको ये लगा है कि मैंने 3 महीना बिना डायरेक्टर, बिना कैमरामैन, बिना स्क्रिप्ट हिंदुस्तान को इंटरटेन किया है तो आप ये फिल्म आई है। इसमें डायरेक्टर्स भी है, कैमरामैन भी है और राइटर्स भी है। मैं इंशाल्लाह आपको और इंटरटेन करूँगा और मेरे साथ दो एक करण जौहर के बॉयफ्रेंड भी है और ये भी है। आप इंडस्ट्री में किसे अपना दोस्त मानते हैं और अपनी कामयाबी के लिए आप जहाँ भी जिस जगह भी मौजूद हैं जो भी आपने कामयाबी हासिल की उसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? भाई इंडस्ट्री में तुम्हारे दोस्त हर फ्राइडे बदल जाते हैं इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में। पर फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं। वो दोस्त मेरे सोनू सूद है, वो जनीन खान है, वो गौर खान है, वो संग्राम सिंह है, वो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे, सोनू निगम है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है मेरी फिल्म के लिए, अरमान मलिक है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इनको मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और यही कहूँगा कि दोस्ती दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है पर धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म होती जाती है यार। मतलब अगर आपकी फिल्म आ रही है और आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत है तो 500 में से आपको 5 ही दोस्त सपोर्ट करते हैं। 500 कर दे तो आपका बहुत भला हो सकता है। सलमान भाई भी अगर मुझे एक वीडियो भेज दे, ट्वीट कर दे मतलब वो काले कुत्ते के लिए ट्वीट कर देते हैं, मेरे लिए नहीं किया यार। मतलब मेरे लिए बनता है यार, सलमान भाई का ट्वीट भी बनता है और मेरे लिए जिस तरह फवाद खान के लिए वो आवाज़ उठाए उस तरह मेरे लिए भी आवाज़ उठा के ये बोल दे कि भाई मेरा भाई एजाज खान मेरे शो में आया था, 7 में भी आया था, 8 में भी आया था, मैंने इसको बोला ये टैलेंटेड है, मैंने इसको बोला ये एक नंबर है, मैंने ये बोला एंटरटेनमेंट का किंग है, मैंने नहीं उन्होंने खुद बोला है। और अब जब मेरी पिक्चर आ रही है तो वो फवाद खान पे लगे हुए हैं, भाई भाई मेरे भाई सलमान भाई अपन यहाँ पे है ना भाई, यारी रोड पे ही रह रहा हूँ एजाज खान यार, इतनी दूर जाके सपोर्ट करने से अच्छा यहीं कर दो यार भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू यार।